लोरमी की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वावधान में लोरमी मानस मंच में नव मतदाता सम्मेलन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता छत्तीसगढ़िया एक्टर अनुज शर्मा शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुज शर्मा ने कहा कि मेरी पार्टी में जुड़ने का मुख्य कारण बीजेपी द्वारा राम मंदिर निर्माण धारा 370 का हटाने जैसा मुख्य मुद्दा रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। आज लोदमी के नव मतदाताओं का सम्मेलन रहा। हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवेश किए हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया कलाकार भैया अनुज शर्मा जी का आगमन हुआ और अनुज शर्मा जी ने आह्वान किया नव मतदाताओं से कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो कैसे नव मतदाताओं को ठग रही है, इस विषय को उन्होंने पूरा रखा और छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारे देश के तात्कालिक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वप्न देखा था छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर के, आज वह स्वप्न पूरा नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में नए मतदाताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। नए मतदाता पहली बार अपनी ज़िंदगी का वो लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी नए मतदाताओं का सम्मान कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो नए मतदाता किस दल का चयन करें, और जो उत्साह लोरमी में जो कार्यक्रम हुआ, नए मतदाताओं में जो उत्साह हमने देखा है, जो खुशियां उनके चेहरे पर देखी है, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति है कि यदि मोदी जी नहीं होते तो धारा 370 नहीं हटती, मोदी जी नहीं होते, मोदी जी की सरकार नहीं होती तो राम मंदिर का निर्माण